हे एवरीवन, जय माता दी। आज नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। माँ दुर्गा माँ आपकी लाइफ में हर तरीके की खुशियाँ लेकर के आएँ, समृद्धि लेकर के आएँ, आपकी जो भी सपने हैं वो पूरे हों। तो आज की जो रीडिंग है वो है माता महाकाली महादुर्गा के मैसेजेस, वो आपके लिए क्या इस नवरात्रि में ब्लेसिंग लेकर के आ रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं नवरात्रि के मैसेज से। माँ दुर्गा आपके लिए क्या नवरात्रि के मैसेज लेकर के आ रही हैं। प्लीज़ दुर्गा माँ, प्लीज़ काली माँ, मुझे गाइड कीजिएगा। आप मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या ब्लेसिंग लेकर के आ रही हैं। प्लीज़ दुर्गा माँ, प्लीज़ माँ काली, प्लीज़ लास्ट वन कार्ड, लास्ट। ओके, इतने कार्ड्स आ गए हैं। नारद मुनि जी हैं यहाँ पे, इंद्र हैं और गायत्री माँ हैं और नित्यानंद प्रभु हैं, कल्की। ओके, आई थिंक इतने कार्ड्स बहुत से हैं। अगर ज़रूरत लगेगी तो फिर से कार्ड ले लेंगे। अभी इतनी ब्लेसिंग के हम कार्ड्स देख लेते हैं। बॉटम में चंद्र है, तो चंद्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप किसी ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप बहुत जल्दी आप डाउन हो जाते हो। ठीक है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है, अपना इमोशनली चीज़ों को यहाँ पे चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हो। तो यहाँ चंद्रमा, चंद्रदेव की ब्लेसिंग आई है और जो ब्लेसिंग दे रहे हैं आपकी लव लाइफ में, जो आपकी करंट सिचुएशन में जिस भी चीज़ों से आप गुजर रहे हो वहाँ पर आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी। आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। आपकी अगर ब्लड को लेकर के कोई इशू चल रहा है तो वो इशू भी ठीक होता दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आपको कोई हेल्थ इशू है ब्लड रिलेटेड तो वो भी चीज़ें ठीक हो रही हैं। साथ में आपकी इमोशनल हीलिंग हो रही है, आप एंजाइटी से यहाँ पे निकलोगे। ठीक है, आप जो भी स्टकनेस से यहाँ पे घिरे हो वहाँ पे आपको यहाँ पे चंद्रदेव जी आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आप उस सिचुएशन से निकल आओ। ठीक है, और माता दुर्गा जी आपको क्या ब्लेस करना चाहती है, तो यहाँ पे है नारद मुनि का कार्ड। नारद मुनि जो बेसिकली जो है ना, वो यहाँ पे अब म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं। वो हर वक्त क्या गाना गाते हैं, श्रीमन नारायण नारायण ना हरि हरि। तो यहाँ पे ये आपको लेकर के आ रहे हैं कि आप जो ईश्वर के साथ में अपना कनेक्शन महसूस करते हो, जो यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन महसूस करते हो, दुर्गा माता के साथ में कनेक्शन महसूस करते हो, वो रियल है। बस उन्हीं का नाम जाप करते रहो, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। साथ में नारद मुनि कोई ना कोई लर्निंग स्किल को भी लेकर के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि दुर्गा माँ, अगर आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो या कोई एग्ज़ाम को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पर वो आपको वो अचीवमेंट दे रही हैं, वो सारी चीज़ें ठीक करते हुए दिखाई दे रही हैं और आपको सक्सेस दे रही हैं, आपको बुद्धि विवेक बल दे रही हैं। और यहाँ पे म्यूजिक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी है कि म्यूजिक के साथ काम कीजिए। ठीक है, यहाँ पे उनका वीणा है। ठीक है, तो आप म्यूजिक चीज़ों के साथ में आपको वर्क करना है। साथ में है यहाँ पे इंद्रदेव। तो इंद्रदेव हैं हमारे देवताओं के राजा और ये क्या ब्लेसिंग लेकर के आए हैं, ये फिजिकल प्रॉब्लम्स को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके जो भी हेल्थ इशू उनको ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको हेल्दी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फाइव एलिमेंट्स इन्हीं के कंट्रोल में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो चक्रा हैं, जो आपका फाइव एलिमेंट्स से जो बॉडी बना है उसको यहाँ पे डिटॉक्स कर रहे हैं और ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे वो मटेरियल चीज़ों में भी सक्सेस लेकर के आ रहे हैं क्योंकि इंद्रदेव देवताओं के राजा है और सारी ही जो धन संपत्ति है कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके अंदर भी कंट्रोल है, तो ये यहाँ पे फाइनेंशियल ब्लेसिंग लेकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लीडरशिप लेकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप राजनीति में कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पे आपकी राजनीति में सक्सेस दुर्गा माता लेकर के आते हुए दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को हील कर रहे हैं और केवल इतना मैसेज कर रहे हैं कि बस अपने क्रोध को थोड़ा सा कंट्रोल रखो, जीत तुम्हारी होगी। खासकर लीडरशिप के लेकर के आप कोई वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे जीत आपकी होते हुए दिखाई दे रही है। अगला कार्ड है गायत्री देवी। तो गायत्री माता को बहुत से लोग आदि माता के रूप में भी देखते हैं। लोगों का कहना है
विधियों में, पुराणों में बहुत से लोग मानते हैं कि यही आदिमा है, इन्हीं से सबसे सबकी उत्पत्ति हुई है। तो कहीं ना कहीं माता की ब्लेसिंग यहाँ पे आपके ऊपर रहने वाली है, गायत्री माता की, और ये आपको पीस ऑफ माइंड देगी। आप लाइफ में जो जो खास करके देखो, यहाँ पे पहला कार्ड ही था आपका चंद्रदेव का, जो बता रहा था कि इमोशनली आप डाउन हो जाते हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे ठीक करती हुई दिखाई दे रही हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाती हुई दिखाई दे, अगर आप कुछ एस्ट्रोलॉजिकल या वैदिक को लेकर के कुछ सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए वो नॉलेज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आप ना एक अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई बिजनेस को लेकर के अगर आप कोई डील फाइनल करना चाहते हो तो गायत्री माता यहाँ पे, दुर्गा माता आपको ब्लेस कर रही है, वो आपकी डील फाइनल हो जाएगी और आपको इतने काबिल बना रही है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस की सीढ़ी खुद से चढ़ पाओ। ठीक है, अगला ब्लेसिंग यहाँ पे है नित्यानंद प्रभु का। और नित्यानंद जो है ना, वो सभी चीज़ों को डिलीवर करते हैं। ठीक है, वो हर चीज़ों को डिलीवर करते हैं जो आपकी लाइफ में होने वाला है। तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ को लेकर के नित्यानंद प्रभु जी यहाँ पे हीलिंग लेकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी ह्यूमिनिटी, अगर आपको लगता है कि कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई आपको प्यार नहीं करता, तो उस चीज़ों को हील करके आपका लोगों के साथ कनेक्शन बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको करुणा मिलते हुए दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ये नित्यानंद प्रभु जी जो है ना, नाम जाप की भी बात करें, क्योंकि नारद मुनि भी हैं, ये भी नाम मंत्र का जाप करते रहते थे, और ये भी कहीं ना कहीं आपको यही ब्लेसिंग दे रहे हैं कि मंत्र जाप, नाम जाप, अफर्मेशंस, राइटिंग, इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए, यही आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लेकर के आएंगे। नेक्स्ट आपकी लास्ट में है आपका कल्कि, जो कि जितना भी ये बुरा काल है इसको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, इसको ख़त्म करने वाले हैं, ये जो कलयुग चल रहा है इसको ख़त्म करने वाले हैं। तो कल्कि जी यहाँ पे आपको लेकर के आशीर्वाद आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं प्योरिटी लेकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिचुएशन से ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो भी आप सिचुएशन को डील कर रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में है, जो भी स्टक हैं, उनसे आप ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है, ब्लेसिंग यहाँ पे और भी हैं, और क्या है ब्लेसिंग यहाँ पे, आपको पावर दे रहे हैं। और किसी से आर्गुमेंट चल रहा था, खास करके राजनीति में किसी के साथ में आप मैदान में उतरे हो, चुनाव में आए हो, तो यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने दुश्मनों को हराते हुए दिखाई दे रहे हो, और जितनी भी लाइफ में नेगेटिव थी वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। एक कोई ना कोई बड़ी अचीवमेंट आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए, और क्या है, कोई आपके मन में प्रश्न है तो, और क्या आपके लिए दुर्गा माता ब्लेसिंग लेकर के आ रही है आपके प्रश्नों को लेकर के। दुर्गा माँ प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के मन में जो प्रश्न इस वक्त चल रहा है उसके लिए आप क्या आंसर करना चाहती हैं, प्लीज़ दुर्गा माँ। ओके, बहुत से कार्ड हैं। ओके, प्लीज़ दुर्गा माँ मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के मन में जो प्रश्न हैं उनको लेकर के क्या आप यहाँ पे जवाब देना चाहती हैं। लास्ट वन कार्ड प्लीज़। ओके, कोई आना चाहता है, कोई लास्ट वन कार्ड आना चाहता है। ओके, यहाँ पे कार्ड्स कोई भी जंप नहीं हुआ है। तो बॉटम में है अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, आपकी लाइफ में चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जो सोच रहे हो कि मेरी सिचुएशन कब बदलेगी, तो यस, कोई ना कोई अवसर आ रहा है जिसमें आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है, कोई गुड न्यूज़ है आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है, और आपकी लाइफ में एक फ्रीडम आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, नई शुरुआत हो रही, क्योंकि यहाँ पे न्यू मून है, कुछ ना कुछ नया आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे है मैनिफेस्टेशन, जो आप मांग रहे हो वो यहाँ पे पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। जैसे मैंने कहा, अफर्मेशंस, प्रेयर्स, ये करते रहिए। साइंस एंड रिमाइंडर्स, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे साइंस मिल रहे होंगे, दुर्गा माँ की तरफ से रिमाइंडर्स मिल रहे होंगे कि यस, ऐसा करना चाहिए, और वो आप अपनी विश के पास है, अपनी टारगेट के पास है। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आप जो भी कर रहे हो, माँ उसको उसमें ब्लेसिंग दे रही हैं। लास्ट वन है यस का कार्ड, यस, आपकी जरूर विश पूरी होगी। ठीक है, आपका विश जरूर पूरा होगा, और यहाँ पे आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी एंड चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो यस, ये थी आपके लिए दुर्गा माँ महाकाली की ब्लेसिंग इस नवरात्रि में। एनर्जी को क्लेम करना हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बॉटम में सॉरी कमेंट में अपनी दुर्गा माता की ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। बाय।